किया गया, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए ये पुनः विपक्षी, पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहाँ पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहाँ सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे, जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर देखिए मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की, और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बार दोहराता हूँ कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज़्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया, ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक IPS ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके, और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है, तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ
अनटचेबिलिटी है, इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं है।